अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही है ना इस वक्त, तो मैंने कंफर्टर जो है वो पूरी तरह से ओढ़ा हुआ है और ना बड़े आराम से यहाँ पर बैठी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग, तो व्लॉग को देखना है जी आपने लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि जो मज़े मज़े के टेबल पर खाने आप देख कर आए हैं ना थंबनेल में, उनकी सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बेहद मज़े की रेसिपीज़ हैं, न्यू रेसिपीज़ हैं, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो मैं हूँ ना, मैं साथ साथ आपको रेसिपीज़ भी दूंगी, आप जल्दी से बनाएंगे और बहुत सी तारीफें जो हैं वो समेट लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोती पुलाव बनाने की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। इसका हम कीमा बनाएंगे, कीमे में जाएगी जी 3 अदद प्याज, हरी मिर्चें जाएंगी 10 से 12 अदद, और जाएगा जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, धनिया चला जाएगा इसमें। सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं, 4 अदद ब्रेड के स्लाइसिस भी हमने चॉप किए हैं, और साथ ही साथ कसूरी मेथी, अजवाइन और कोफ्ते मसाले का पैकेट चला गया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और साथ ही साथ जी छोटे छोटे से कोफ्ते जो हैं, जो कि हमारे मोती पुलाव के मोती हैं, वो बनाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर हम एक दिन पहले इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और एक दिन पहले क्यों, क्योंकि कल है एक ख़ास दिन, और वो ख़ास दिन क्या है, कल क्या होने वाला है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी आप इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पर साथ ही साथ हमने सारे कोफ्ते जो हैं, मोती जो हैं, मोती पुलाव के बना लिए हैं, और साथ ही साथ हम मैरिनेट करने लगे हैं तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन के लिए हमने लिए हैं चिकन विंग्स 2 किलो, और ये फर्स्ट टाइम हम बनाने लगे हैं, अदरवाइज हम लेग पीस बनाते हैं। तो ये 2 किलो हमने ले लिए हैं। 1 कप सबसे पहले इसमें सिरका जाएगा, और इसको अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें अभी हम ऐड करते हैं। यहाँ पर पहले सबसे सिरका जो है वो मिक्स करेंगे, ताकि सारे पीसेस पर ये अच्छे तरीके से लग जाए, और यही मेथड जो है वो लेग पीस बनाने का भी है। तो यहाँ पर जी दही जाएगा इसमें 1 प्याली, और साथ ही साथ जी इसमें 2 टेबलस्पून चला जाएगा घी, जो कि मेल्ट किया हुआ है हमने। साथ ही साथ 2 से 3 अदद हम इसमें लेमन स्क्वीज कर देंगे, और साथ ही साथ कसूरी मेथी गई है, और तंदूरी मसाला गया है इसमें। शान तंदूरी मसाला हम यूज़ करते हैं, उसका बेहतरीन टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको सारी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम जिस बॉक्स में इसको डाल के रखेंगे, सबसे पहले उसमें एक शॉपर जो है वो रख लेंगे, ताकि इस शॉपर के अंदर ना हम ये सारे पीसेस रख लें। शॉपर में डालना इसलिए जरूरी है, इसकी ना एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, जो फ्रिज में से ना 1 से 2 दिन के लिए नहीं जाती। जैसे कि हमने कोई चीज भी रखनी होती है, कोई स्वीट डिश भी पड़ी होती है, कोई भी चीज पड़ी होती है ना, तो उन चीजों में से इसकी स्मेल सी आने लगती है सिरके की खास तौर पर। तो इस तरह से शॉपर में डाल के रखें, आपको स्मेल नहीं आएगी, बहुत हद तक जो है ना ये इसी के अंदर ही रहेगी, और बिल्कुल भी स्मेल जो है वो फ्रिज में से बहुत ज्यादा नहीं आएगी। और यहाँ पर साथ ही साथ जो मोती पुलाव के लिए मोती बनाए हैं वो हम फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके इनको फ्रीज़ करना आसान हो जाता है। वैसे तो हम कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह से इनको फ्रीज़ नहीं किया, हम इनको हमेशा फ्राई करके ही फ्रीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर है जी वो दिन, जिसके बारे में मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि आज के दिन क्या है, क्यों इतने ज़्यादा खाने बन रहे हैं, किसके लिए, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी अब दूसरे दिन हम तैयारी कर रहे हैं बाकी की डिशेस बनाने की। आज हमने बनानी है जी अचारी कोफ्ता कढ़ाही, और आप यकीन माने कि ये अचारी कोफ्ता कढ़ाही जो है ना बेहद लजीज बनती है, बहुत ज़्यादा। आपने इसकी रेसिपी को पूरी तवज्जो से देखना है, नोट डाउन करना है और बनाना है, और इसका फीडबैक मेरे साथ
साथ शेयर करना है। ये स्पेशली मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर अभी तक किसी ने नहीं खाए तो वो जरूर बनाए, जरूर खाए और इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करे। जो हमने कल छोटे छोटे से बनाए थे जी कोफ्ते, तो वो हमने जी फ्रिज में से बाहर निकाल लिए हैं, कल से फ्रीज किए हुए थे हमने, तो अब हम इससे चीजें बनाने लगे हैं। तो इसको बाहर निकाल लिया है हमने फ्रिज से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अचारी कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी ही बनाने लगे हैं। तो 2 से 3 अदद हमने प्याज ले लिए हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें गया है और 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां जो हैं इसमें डाल दें। यहाँ पर जी ये जो ड्राई रोस्ट हो रहे हैं मसाले, तो इसमें गया है सूखा धनिया, सौंफ, सफेद जीरा और कलौंजी, सारी चीजें जो है वो 1-1 टीस्पून है। तो यहाँ पर जी अब हम तैयारी करने लगे हैं साथ ही साथ चावल बनाने की भी, जो कि मोती पुलाव हमने बनाना है। कल जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे तो वही घी हमने इसमें यूज किया है। एक तो उनका टेस्ट भी इसमें होता है और दूसरा ये कि कोई चीज फ्राई कर लें तो फिर वो घी या तो यूज नहीं होता, या तो रोजमर्रा कोई चीज फ्राई हो रही हो तो वो यूज हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमेशा ना वही घी जो है चावलों में या कोफ्ते बनाने हों उसमें भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो घी ले लिया है, 2 से 3 अदद प्याज इसमें जाएंगे। ये जो स्पाइसेस हमने ना ड्राई रोस्ट किए हैं उनको मैं दरदरा कर लूंगी। तो यहाँ पर जी प्याज जो है वो अच्छे से कलर वाले हो गए हैं, कच्चे प्याज बिल्कुल भी नहीं रखने हैं हमने, बिल्कुल अच्छा सा इनको कलर देना है और इसमें डाल देना है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 अदद टमाटर, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और टमाटरों का छिलका जो है हमने रिमूव कर लिया है और इसको अभी गलने के लिए हम रख देंगे। साथ ही साथ जो हम अचारी कोफ्ता कढ़ाई बना रहे हैं तो उसका प्याज अदरक लहसुन अभी इतना ज़्यादा चेंज उसका कलर नहीं हुआ, तो इस दौरान हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ जी इसमें जो हमने हरी मिर्ची डालनी है ना उसकी फिलिंग कर लेंगे और इसकी फिलिंग हम उसी मसाले से करेंगे जो कि अभी हमने ड्राई रोस्ट किए थे। तो उस मसाले में हमने डाला है जी लेमन जूस और इसको हम फिल कर देंगे बिल्कुल ना जिस तरह से अचार गोश्त हम बनाते हैं उसके लिए भी मिर्चें जो हैं वो फिल करते हैं ना हरी मिर्चें, वैसे ही हमने इनको भी फिल कर लेना है। साथ साथ जब ये अचार कोफ्ता कढ़ाई के आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जी जैसे ही उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हमने इसमें भी डाल देने हैं जी टमाटर और हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर गए हैं और 2-3 अदद ही इसमें ना गई हैं हरी मिर्चें और इसको हम थोड़ा सा ना फ्राई कर लेंगे और इसका अभी हमने पेस्ट बनाना है। जो अचार कोफ्ता कढ़ाई है उसके मसाले का हम पेस्ट बनाएंगे और यहाँ पर टमाटर जो है अभी सॉफ्ट हो रहे हैं और इनको अभी सॉफ्ट होने देंगे हम। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है अभी इनको टाइम है तो हमने सोचा कि साथ ही साथ हम जेली बनाकर रख लेंगे ताकि जो मीठा हमने बनाना है उसकी जेली जो है वो रेडी हो जाए, सेट हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पर जैसे ही टमाटर हरी मिर्ची जो है वो सॉफ्ट हुई हैं हमने अच्छे तरीके से इसको भून लिया है, 1 प्याली इसमें दही गई है और साथ ही साथ बिरयानी मसाला इसमें चला जाएगा और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अचार कोफ्ता कढ़ाई के लिए जो चीज़ें हम फ्राई कर रहे थे वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई, हमने 1 प्याली इसमें दही डाला और इसका पेस्ट बना लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी नमक, हल्दी और कुटी सुरख मिर्चें और जो हमने फिलिंग की है हरी मिर्चों में जिस मसाले की जो शुरू में मैंने यहाँ पर ड्राई रोस्ट की हैं वो थोड़ा सा मसाला जो है इसमें ऐड कर देंगे और बाकी सारा मसाला जो है ना उसकी फिलिंग कर देंगे जी हरी मिर्चों में। ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें जानी है तो उनका भी टेस्ट जो है आ जाएगा, खुशबू जो है बेसिकली उसका लेना जो है वो काम होता है और फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर
जैसे ही हमने इसको भून लिया था, इसमें हम डाल देंगे जी कोफ्ते। कोफ्ते हमने चूंकि इकट्ठे बनाए थे, इसमें जितने चने हैं इसमें ऐड कर देंगे और बाकी हम उसकी जो है अचार कोफ्ता कढ़ाई रेडी कर लेंगे। फटाफट से हमने ये सारा काम जो है एक साथ कर लिया और दो डिशेस इनसे रेडी हो गई। तो यहाँ पर गए हैं जी आलू बुखारे, साथ ही साथ धनिया पुदीना गया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम धनिया पुदीना शामिल करें तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही साथ जितने चावल हमने पकाने हैं उस हिसाब से हमने पानी यहाँ पर मैयर करके रखा हुआ है जो कि इसमें जाएगा और इसको हम डाम के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रेसिपीज़ ही रेसिपीज़ हो गई हैं, तो बात को करते हैं जी थोड़ा सा चेंज और बात करते हैं वेदर पर। आपने मेरे साथ शेयर करना है कि आपकी सिटी में वेदर कैसा है, ज़्यादा ठंड आ गई है कि नहीं। तो गुजरांवाला का वेदर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और वो कहते हैं ना कि राज्य की ठंड पहन दी है, तो वो हाल हो गया है कि अब कम्फर्टर से जो है निकला नहीं जाता, लेकिन फिर भी वीडियो बनानी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, तो इस वक्त मैं कम्फर्टर लेकर बैठी हुई हूँ ताकि आवाज जो है वो मेरी सही से रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी भी रेसिपी की आपको समझ ही ना लगे और आप कहें कि ये कैसी वीडियो डाल दी। तो इसलिए जी खुद को कवर करके बैठी हुई हूँ ताकि आवाज़ जो है वो सही निकले। और गर्मियों में ये हाल होता था कि पंखे की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग में आती थी, तो तब मैं फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करती थी ताकि आवाज़ जो है वो अच्छे तरीके से आए। तो ये होती है जी हमारी मेहनतें और आपके लिए ये हम सब कुछ करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन। ये सब इसलिए कि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपकी तरफ से ये हमारे लिए प्यार होता है, आपकी सपोर्ट होती है जो हमें आगे बढ़ने का जज्बा देती है, मज़ीद बेहतर काम करने का भी जज्बा देती है। अब ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर लाइक करें। यहाँ पर जी मेरी बातों ही बातों में जो अचारी कोफ्ता कढ़ाई है ना वो रेडी हो गई है और आपने इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर रेसिपीज में से कुछ भी पूछना हो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर जी ट्रिपल लेयर कस्टर्ड भी रेडी होने लग गया है। तो यहाँ पर हमने कपकेक्स ले लिए हैं, जाएगा इस पे कॉकटेल। आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमने ये बनाया, तो आप ज़रा ये आवाज़ सुन लें। ये है जी हमारी प्यारी सी बिल्ली की आवाज़। और बिल्ली वगैरह हमने बिल्कुल भी घर में नहीं रखी हुई, हमारी छत पे आती है। तो वो ना जब भी हम चिकन वगैरह बनाएं, मीट बनाएं, कुछ भी इस तरह से बनाएं ना, उसको पता नहीं कैसे खुशबू चली जाती है, वो आ जाती है। और दिन के वक्त तो ऐसा होता है ना कि हम इसको डाल आते हैं जो भी बना हो। तो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें बन भी रही थी और ये था कि सारी चीज़ें गर्म थी, अभी कुछ भी इसको नहीं दिया जा सकता था। तो ना हमने क्या किया, हमने इसको वेट करने का कहा और माशाल्लाह से इतना इसने वेट किया ना कि सारी पार्टी जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं वो हो गई और लास्ट में इस बेचारी की बारी आई। तो हमने कहा कि ये मुख्तरमा भी ना आ गई है और इसका हिस्सा भी इन सारी चीज़ों में था, तो हमें सबसे ज़्यादा इसकी फिक्र थी कि फटाफट से ये पार्टी जो है वो फिनिश हो जाए और हम इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि बेचारी सर्दी में इस तरह से बोल रही है और कुछ ना कुछ खाने के लिए ही मांग रही है। डेफिनेटली ये बात हुई तो उसकी वॉइस जो है इतनी क्लियर यहाँ पर रिकॉर्ड हुई कि मज़ा आ गया मुझे और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी ये कस्टर्ड जो है वो बन रहा है और जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना उसी तरह से हमने इसको टाइम दिया है बनाने का, ठंडा होने का टाइम मिल जाए, दूसरी लेयर डाले फिर उसको ठंडा होने का टाइम मिल जाए, इस तरह से हमने बनाया। तो ये देखिए जी हमारा प्यारा सा शाहान जो है वो भी रेडी हो गया है, होममेड इसने ये ड्रेस पहना है। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है मुझे।
तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गया है जी। हम भी बस अभी खाना वगैरह बनाकर रेडी होंगे और पार्टी करेंगे जी। इसको बनाएंगे, इसको ठंडा करेंगे और उसमें शामिल करेंगे। अगर हम इस तरह से ना बीटर या ये जो विस्क होता है उसके साथ कस्टर्ड बनाए ना, तो इसमें लम्स नहीं बनते, बिल्कुल स्मूथ सा ये रेडी होता है। यहाँ पर कस्टर्ड वगैरह की लेयर्स जो है बिल्कुल रेडी हो गई हैं। वनीला, स्ट्रॉबेरी, बनाना फ्लेवर से हमने ये कस्टर्ड रेडी किया है। और ये देखिए जी, इस पर डेकोरेशन जो है बेहद खूबसूरत सी हुई है, बहुत अच्छी मुझे लग रही थी। आपने भी जरूर बताना है आपको कैसी लगी। यहाँ पर जी स्वीट डिश भी हमारी रेडी हो गई है और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। बस ये है कि चावल जो है वो दम पर हैं और अब हम क्या करेंगे कि चिकन विंग्स जो हमने कल से मैरिनेट करके रखे हैं वो हम रखेंगे जी ओवन ट्रे में और इसको रेडी होने के लिए रख देंगे ताकि ये भी रेडी हो जाए। और ये ऐसी चीज़ होती है जैसे लेग पीस भी बनाएं या ये भी बनाए ना, ये टाइम टू टाइम ही बनानी होती है ताकि गर्म गर्म सभी खाएं, तो इसलिए सबसे लास्ट पे हम ये काम रखते हैं। जब भी हम इस तरह से पार्टी वगैरह करें या कुछ भी ना, ये लास्ट पे काम रखते हैं। तो यहाँ पर जी फटाफट से इसको भी हम रखेंगे और इसको रख देंगे जी ओवन में 180 डिग्री पर। तकरीबन आधा घंटा हमें लगा था और इस तरह से जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस पर हम घी वगैरह लगाएंगे और ओवन में ही इसको थोड़ी देर के लिए ना 5-10 मिनट के लिए फिर से रख देंगे ताकि इस पर शाइन भी आ जाए और अच्छे से ये रेडी हो जाए। रेडी हो गए हैं ये चावल भी, तो देखिए कितने ज्यादा मजे के ये रेडी हुए हैं और सारी चीजें बेहद मजे की बनी थी, बहुत ज्यादा मजे की। बहुत अच्छे बनते हैं ये, आप इस तरह से भी ज़रूर बना के देखिएगा। लेग पीस तो हर कोई बनाता ही है, तो यहाँ पर जो चारकोल का इफेक्ट लगा है ना, तो इसने माहौल बना दिया है जी मज़ेदार सी पार्टी वाला। तो अब तो पार्टी शुरू हो गई है, अब चलती हूँ और बताती हूँ कि आज ये सब खाना क्यों बनाया हमने। तो जी आ जाए आप भी और हम सब मिल बैठकर यहाँ पर डिनर करते हैं। और ये सब खाना किस लिए बना, क्योंकि आज है मेरे भाई की बर्थडे और ये सब कुछ हमने खाना जो है घर पर अरेंज किया, आपके सामने बनाया और ये सब कुछ उसके लिए सरप्राइज था। बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरे भाई और यही होता है कि किसी के स्पेशल दिन को स्पेशल बनाए तो उसे डेफिनेटली खुशी ही होती है। और ये पता चलता है कि उसके लिए ये सब कुछ अरेंज करने वाला उसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। तो हमें इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स जो है जरूर अरेंज करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टीज हों, बहुत कुछ हो, हम छोटी से छोटी चीज से भी किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। स्पेशली अपने घर वालों से तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि आपकी फैमिली है तो आप हैं तो आपकी फैमिली है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्तन फवक्तन एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें। तो यहाँ पर जी सारे खाने बेहद मज़े के बने थे और अगर मैं एक डिश आपको बताऊँ ना तो वो थी अचार कोफ्ता कढ़ाही। तो इसलिए ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन सारी डिशेज ना अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने अचार कोफ्ता कढ़ाही ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर उसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।